कितनी देर बाद आपको नेशनलिटी ऑस्ट्रेलिया की मिली? मुझे 11 साल बाद मिली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज मी मुकर्रब गुरेजा और आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। और वीडियो किस चीज पर है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आजकल एक पाकिस्तान में ट्रेंड सा बन गया है, हमें बाहर जाने का बड़ा ही शौक चढ़ा हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जल्द से जल्द छोड़े चल चूट और किसी फॉरेन कंट्री में, किसी यूरोपियन कंट्री में, कोई अमेरिकन कंट्री में, ऑस्ट्रेलियन कंट्री में जाए, तो उधर जाके हम अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सही करें। तो इस मतलब कह लें कि शौक को मद्देनजर रखते हुए ना हमने एक आज वीडियो बनाने लगे। उसके लिए हमने जैन भाई को बुलाया है और इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। ये माशाल्लाह तकरीबन 15-20 साल से ऑस्ट्रेलिया में गुजार रहे हैं और इनसे सारा हम पूछेंगे, इनकी इनकी स्टोरी भी पूछेंगे और इनसे तरीका भी पूछेंगे कि अगर हमें हम में से किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो कैसे जा सकते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और उसके लिए हमें क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जैन भाई, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जब आप गए ऑस्ट्रेलिया, आज से तकरीबन मेरा ख्याल कोई 15 साल पहले की बात है, 2009 में आप गए, तो तब आपके माइंड में क्या आया, क्या आपने पाकिस्तान में ऐसा देखा कि आपका दिल किया कि मैंने बाहर ही जाना है? यार बेसिकली हर बंदे का जो है ना डिफरेंट एम होता है, लेकिन मेरा एम था कि मैंने पढ़ने ही जाना है और वापस आ जाना है। ठीक है ठीक है, तो मेरा कोई इतना एक्सपोजर नहीं था कि ऐसे, मतलब ज्यादातर यूरोप में लोग जाते हैं कमाने वगैरह की नीयत से, सही है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में यही ट्रेंड था कि लोग पढ़ने जाते हैं और आ जाते हैं, कुछ उधर सेटल भी हो जाते हैं। सेटल होना कंपैरेटिवली आसान है ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप की निस्बत लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, जॉब्स वगैरह इजी मिल जाती हैं। खैर एनीवे, मैं तो गया था पढ़ने के लिए, लेकिन बाद में सिनेरियो चेंज हो गया। सही है, क्योंकि मेरे पास इधर बैकग्राउंड मेरा इस तरह का था कि मैं अगर स्टडी उधर से कम्प्लीट करके आता अकाउंटिंग की, तो मुझे इधर अच्छी जॉब ऑफर थी मेरे फादर की बेस पे ना। सही है, तो लेकिन खैर एनीवे मैं 2009 में गया था, आयट्स किया था, जैसे कि नॉर्मली अभी आयट्स और पीटीई ठीक दोनों वैलिड हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो बस ऐसे ही एक कंसल्टेंट था उसके थ्रू अप्लाई किया, तो 2 महीने के अंदर वीज़ा लग गया। लेकिन अब जो है प्रोसेसिंग टाइम तो इतना ही ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन थोड़ा सा तरीकेकार जो है वो बदल चुका हुआ है। अच्छा, तो आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चुना, तब आप कोई और कंट्री भी? ऑस्ट्रेलिया इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि मैं जब आयट्स करता था ना, बेसिकली मैं जब आयट्स कर रहा था ना, तो उस वक्त मुझे ऑस्ट्रेलिया का नहीं था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया ही जाना, मेरा दिन में था कि यूके जाऊंगा, क्योंकि उन दिनों यूके का ट्रेंड था और आज भी यूके का अमेरिका, यूके तो ऐसे है जैसे वो बॉर्डर है अभी से। हाँ जी, तो लेकिन मैं आयट्स जब करता था ना, तो उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मतलब ऑस्ट्रेलिया के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में, उसके जो है ना जियोग्राफिकल मतलब चीजें बताए डिस्कस की होती थी, आयट्स की बुक में चैप्टर्स होते थे। अच्छा, तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता था कि यार ये तो अभी सारा फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, सही है, जो कि हकीकत भी है। उसका चैप्टर भी था इस तरह के, ऑस्ट्रेलिया लैंड ऑफ फुल अपॉर्चुनिटी, तो ये चीज मुझे काफी अट्रैक्ट की। ठीक है, तो आप जब चले गए, आपका मतलब वीजा हो गया, आप उधर जाके आपके क्या मतलब आपके तासरात थे जब आप पाकिस्तान से पहली दफा उधर गए? देखो मेरा तो उधर कोई जानने वाला नहीं था, और उस वक्त जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मतलब ज्यादा चीजें आसान हो गई हैं, एक बहुत ज्यादा डेवलप हो गया हुआ है निज़ाम, तो उस वक्त ये चीजें कम थी, तो मेरा कोई है भी नहीं था, ना फैमिली में ना फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स हैं थे लेकिन एक दो वो भी दूर, कोई इतनी सलाम दुआ नहीं। सही, मुश्किल हुई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की सेटल हो गया, तो ऊपर अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं लाइफ में, सही है, जहाँ पे भी आप जाएं, लेकिन मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है और स्टिल अच्छा है। अच्छा, स्टिल अच्छा है, स्टिल अच्छा है हर लिहाज से, मतलब जॉब के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से, रहने के लिहाज से, उधर सेट होना है, हर लिहाज से कुछ भी आप कह रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चले इस चीज पे तो हम आपको आपसे डिस्कस करते हैं ना कि हम कैसे जा सकते हैं और क्या क्या मतलब कंपैरेटिवली पाकिस्तान की निस्बत उसमें क्या क्या ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी है, इस चीज पे तो हम बाद में आते हैं। पहले हम आपसे थोड़ा पूछते हैं कि जब आप उधर गए तो आपने जब कोई फ्रेंड नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं था, तो आपके लिए तो एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होगी।
यार मैं मुख्तसर सा बताता हूँ तो ताकि हमारे व्यूअर्स भी जो है ना बोल रहा हूँ बिल्कुल। मैं उधर गया हूँ, लैंड किया हूँ, जिस बंदे ने मुझे प्रॉमिस किया था लेने आना वो आया नहीं। टैक्सी करवाई, एड्रेस था, उधर चला गया। बाद में यही होता है कि जी आपने डेली का, आपने फूड का या आने जाने का कोई गाइडेंस वगैरह कुछ नहीं थी उस वक्त। ये गूगल शूगल का भी कोई ऐसा नहीं था, नोकिया का फोन लिया मैंने उधर जाके, तो प्लान पे मिल जाते हैं उधर। तो बस ऐसे ही पूछ के थोड़े धक्के खा के सेटल हो गए। यानी कि अब एक एक चीज को डिस्कस करना तो वो काफी हो जाएगा। ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल कुछ अनोखी चीज जो आपको आप चाहते हैं कि मैं बताऊं, मेरे साथ ये हुआ था। ये हुआ कि मैं घुमा फिरा बहुत हूँ उधर। अच्छा, मतलब नॉर्मली स्टूडेंट्स वगैरह या इवन के आप मेरे दोस्त वगैरह जितने भी मेरे जानने वाले हैं वो इतना घूमते फिरते नहीं है, लेकिन मुझे एक तो शौक भी था और एक मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। मैं मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में वो अगर 100 बंदे हैं ना तो मैं उनमें से एक बंदा हूँ जिसने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है। अच्छा, अपने मैंने कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा बनाए हर लिहाज से। मेरे उधर कुछ दोस्त वगैरह आए, उनको मैंने गाइड किया रेजिडेंसी की तरफ, अल्लाह का शुक्र है पासपोर्ट लेके वो निकले हैं, स्पॉन्सरशिप की तरफ, स्टडीज की तरफ। यानी कि मेरा कोई ऐसा मतलब को बहुत फैला हुआ कोई बिजनेस तो नहीं है कंसल्टेंसी का, लेकिन ये है कि मैं मतलब मेरा ये पार्ट टाइम जॉब, मतलब आप एक अच्छा मतलब उधर गाइड कर सकते हैं। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं कोई ऐसा कोई लालची को फ्रॉड वगैरह के चक्कर में, ऐसा नहीं, लेकिन एक मुनासिब रह के जो कोई इंडिविजुअल को खास इंटरेस्टेड हो तो मैं उसकी हेल्प वगैरह कर देता हूँ। ठीक है, तो उसमें ये अकोमोडेशन, जॉब डायरेक्शंस के भाई कहाँ पे आपने किस शहर में रह सकते हैं, आप क्या जॉब करें, क्या करें, कुछ मतलब इस तरह की चीजें, मतलब आप काफी हेल्पफुल रहेंगे उसके लिए। तो आप मुझे ये बताएं जब आप चले गए आपकी स्टडी आपने कंटिन्यू रखी उधर जाके? स्टडी मैंने कंटिन्यू नहीं रखी, लेकिन मेरे पास क्योंकि खुद के पास गाइडेंस नहीं थी, ठीक है, तो मैंने बहुत ज़िगज़ैग किया जिसमें मैंने कुछ डिप्लोमे किए मतलब डिफरेंट, सही है, तो कुछ और सर्टिफिकेट भी किए। और उस तो आपको कितनी देर बाद जाने की, कितनी देर बाद आपने नेक्स्ट फिर पाकिस्तान वापसी की? मैं डेढ़ साल सवा साल बाद आ गया था। सवा साल बाद आप? मेरा 2-3 साल बाद चक्कर लगता रहा, उसके बाद शादी हो गई, फिर जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो कितनी देर बाद आपको नेशनलिटी ऑस्ट्रेलिया की मिली? मुझे 11 साल बाद मिली। अच्छा, तो उसमें कुछ यही के गाइडेंस की कमी थी, सही है, और दूसरा ये कि किसी वजह से मेरा केस जो था वो थोड़ा सा खराब हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें खुद बड़ी एफर्ट की। ठीक, अब मेरा रिव्यू में चला गया था कोर्ट में, उसमें खुद मैंने अपने सारा केस तैयार किया, लॉयर मैंने हायर किया हुआ था, लेकिन अपनी सारी सिचुएशन से करके बता के तो प्रेजेंट आगे उसने किया, लेकिन तैयार मैंने किया। तैयार आपने किया था, तो आम रूटीन में वैसे इतनी ही देर लगती नेशनलिटी के लिए ऑस्ट्रेलिया में? वैसे टू बी ऑनेस्ट जो है ना, करते कराते 8-10 साल आराम से लग जाते हैं। अच्छा, लग जाते हैं आराम से, अगर आप बहुत स्ट्रेट भी चले ना 8-10 साल लग जाते हैं। लकी होगा 6-7 साल में हो जाएगी, इससे कम नहीं। ठीक है, तो क्या आपने फायदा देखा, मतलब उधर के लोग तो नहीं ऐसे करते कि पाकिस्तानी है तो ना अभी अच्छा नहीं है या ऐसा नहीं कुछ? मैं देखें अलग शुक्र है को 2-3 कंट्रीज और भी गया हूँ। ठीक है, रिसेंटली गया हूँ मतलब सिटीजनशिप होने के बाद, क्योंकि मुझे एंट्री थी सारे 185 कंट्री, तो मैंने रिसेंटली विजिट किया है। तो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, वहाँ पर रेसिज्म कम है, ठीक है, होता तो हर जगह ही है लेकिन वहाँ पे बहुत कम है, लोग खुश मजाज हैं जो ऑस्ट्रेलियंस हैं। बड़े शहरों में ऑस्ट्रेलियंस कम है तो मिक्स ज़्यादा है, यूरोपियन है, ये है वो है, लेकिन स्टिल वहाँ का कल्चर जो है ना वो अच्छा है। मतलब आप अब जब आप, मैंने सुना था कि आप लास्ट टाइम जब यूके वगैरह वाली साइड पर भी गए तो आपने कहा कि कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया ज्यादा अच्छा है यूके से, हर लिहाज से अच्छा है। लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ही बताता हूँ, अगर आप उधर कोई ऑस्ट्रेलिया में घर लेते हैं, अगर आप उसका $2,200 महीने का रेंट दे रहे हैं तो इज इक्वल टू, अगर 2200 है तो 1200 पाउंड बनते हैं। ठीक है, तो 1200 पाउंड में आपको एक कमरे का भी यूके में लंदन में आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो अगर मिलेगा तो वहाँ के कुछ ऐसे
मतलब बहुत ही लो क्लास लिविंग एरियाज हैं तो उनमें मिलेगा। सही है। तो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया में अगर आप 2000 दे रहे हैं तो आपको 2500 करें तो आप 3 से 4 बेडरूम का अच्छा रेंट पे ले सकते हैं। अच्छा। और आपकी इनकम इतनी होती है कि आप अपने रेंट को इजीली पे ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, मतलब सुनने हमें एक अच्छी मतलब वाइब आ रही है कि हम ऑस्ट्रेलिया अगर कोई बंदा जाता है तो उसकी एक लाइफ स्टैंडर्ड ही टोटल बदल जाएगा। देखें, मैंने नेगेटिविटी तो होती है हर जगह ही, हमको सिखा दिया है, लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए बंदे को।